है तो दुआ का सहारा लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ नुस्खा लेकर हमारे चैनल के साथ खास बातचीत में हाजिर हुई हैं आध्यात्मिक उपचारक किरण आनंद, जो अंबाला की रहने वाली हैं। आज विश्व पर कोरोना का महासंकट तेजी से मंडरा रहा है। अब तक कई लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। दवाओं का नुस्खा फेल हो चुका है, विज्ञान भी नतमस्तक नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद की किरण लेकर हमारे चैनल के साथ खास बातचीत में हाजिर हुई हैं आध्यात्मिक उपचारक किरण आनंद, जो कि भारत के अंबाला की रहने वाली हैं। अगर विश्व समुदाय किरण आनंद के इस उपचार पर गौर करता है तो बेशक विश्व को कोरोना के महासंकट से बचाया जा सकता है। हाय एवरीवन, I hope you are safe and fine at your homes in this quarantine period. I am Kiran Anand and I am numerologist, astrologer and vastu consultant. लेकिन आज मैं आपके सामने ना यहाँ पर numerology पर बात करने आई हूँ, ना astrology पर और ना वास्तु पर। आज जैसा हम जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस के दौर से निकल रहा है। हर जगह हम लोग कोरोना वायरस कोविड 2019 के बारे में सुन रहे हैं। ये एक ऐसा कठिन दौर, एक ऐसा कठिन समय पूरे वर्ल्ड पर आया है जो इससे पहले पूरे वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा। हाँ, हमने अपने टाइम में वॉर्स सुनी थी, युद्ध सुने थे, महायुद्ध सुने थे, लेकिन वो भी एक दो कंट्रीज़ के बीच में या कुछ कंट्रीज़ के बीच में होते थे। पूरे वर्ल्ड को उनका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता था, लेकिन इस महामारी ने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिया हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी के भी। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, मेडिकल साइंस, इतनी एडवांस मेडिकल साइंस है, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस महामारी का कोई वैक्सीनेशन, कोई सॉलिड, कोई उपाय, कोई इलाज नहीं है। हर जगह ये हताहत है कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्या करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने समय रहते बहुत अच्छे टाइम पर पूरे इंडिया को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन यानी कि अपने घरों में रहें, आप सेफ रहें, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए उनकी फिक्र करते हुए पूरे इंडिया को लॉकडाउन किया। अब इसमें कई लोग अगर इस चीज़ को नहीं मान रहे, इसका पालन नहीं कर रहे, तो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो अपना तो कर ही रहे हैं, अपने फैमिली का भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये सब आपकी भलाई के लिए है। सबसे पहले आपकी फैमिली की भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। ये महामारी ऐसी है जो एक इंसान से कई इंसान को संक्रमित कर रहा है, ये कोरोना वायरस। और इलाज क्या है? कुछ नहीं। कितने लोग मर रहे हैं, हम आए दिन ये न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। आज सुबह ही मोदी जी ने, अभी जो 22 मार्च को शाम को 5 बजे बेल करने का कहा था कि बेल कीजिए, थालियां बजाइए, सब लोगों ने उनका साथ दिया था, और वो हमने किया था अपने डॉक्टर्स के लिए, जो हमारे सेवाकर्मी हैं, जो हमारे लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमने उनके लिए, उनके ऑनर में वो सब कुछ किया था। आज सुबह भी मोदी जी ने कुछ ऐसी ही घोषणा की है कि 5 अप्रैल को रात को 9:09 पर सब अपने घर में दिए और मोमबत्ती जलाएंगे। और सुबह से मैं न्यूमरोलॉजी के इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, वीडियोस देख रही हूँ, हर कोई अपनी अपनी आइडियाज़ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और न्यूमरोलॉजी के थ्रू लगा रहा है। और न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो ये जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही सही बैठ रही है। कैसे? क्योंकि 5 तारीख है, संडे का दिन है, रात को 9:09। 5 तारीख क्या है? 5 नंबर बुध का नंबर है, और ये जो बीमारी है कोरोना, कोविड 2019, मैं इसको 2019 क्यों बोल रही हूँ, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इस पर भी कैलकुलेशंस की थी, हम कोविड 19 बोल रहे हैं। जबकि अगर हम कोविड 19 जो है वो नंबर आता है राहु के ऊपर, और राहु को ही हमने दूर करना है। राहु को दूर करने का उपाय क्या है कि इसको अगर हम 2019 लिखें
तो वो आ जाता है वीनस के ऊपर, यानी कि हमें कुल मिला के 2019 ही इसको मेंशन करना है। वैसे तो कोशिश करें कि हमें ये बीमारी का नाम लेना ही ना पड़े, लेकिन अब क्योंकि इसको हमें मेंशन भी करना पड़ रहा है हर जगह पर, तो इसको 2019, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये कोविड 2019। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 5 तारीख को बोला, 5 नंबर क्या है, मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, और ये जो बीमारी है ये हमारे मुंह से, हमारे लंग्स से, इन चीज़ों से ये हमें बीमार कर रही है। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे पड़ रहा है। हम अपना फेस कवर करके रख रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं, हमारे लंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो है नंबर 5, यानी कि बुध का नंबर। और संडे का दिन है, संडे क्या है, सूर्य, सूर्य जो पूरे विश्व को प्रकाश देता है, लाइट देता है, यानी कि कैंडल्स, दिए। और रात 9:09, 9 नंबर क्या है, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर। और मार्स जैसा कि हम जानते हैं कि सेनापति नंबर है। अब राहु को करेक्ट करने के लिए, राहु यानी कि ये बीमारी कोविड 2019, इसको कम, इसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए हम 9:09 यानी कि 9:09 डबल यूज़ कर रहे हैं मंगल का, इस महामारी को, इसका प्रकोप कम करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए। और लाइट्स यानी कि सूर्य, पूरे जगत को, पूरे विश्व को लाइट जो है वो सूर्य दिखाता है, और हम उस दिन रात को 9:09 ये लाइट्स जलाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम ज़रूर करें। न्यूमरोलॉजी की सोच कर मत करें, एस्ट्रोलॉजी का सोच कर मत करें, लेकिन पूरे घर की अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स आप बंद कर दें। इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जो हैं वो राहु को ही इंडिकेट करती हैं, तो राहु को हमने शांत करना है। इसके लिए सिर्फ आप कैंडल्स जलाइए, फायर, आग जलाइए, घी के दिए जलाइए, सरसों के दिए जलाइए, तिल के दिए जलाइए, आप कुछ भी जलाइए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स नहीं जलाइए, उससे राहु और ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और दूसरी बात क्या है कि इस बीमारी को कम करने के लिए घर पर आप, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप घर पे रहें, घर पर सेफ रहें, अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। और जैसा कि हम आए दिन वीडियोस में सुनते ही जाते हैं कि अपने हाथ अच्छे से धोएं, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें, और गर्म चीज़ें पिएं, हल्दी वाला दूध पिएं। और मैंने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि अपने घर में आप गाय का उपला लेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के दिए में कपूर का, लौंग का, काली मिर्च का, गुगल का, तेज पत्ते का, गाय के देसी घी का, गाय के देसी घी से इन सब का धुआं दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। ये पूरे घर की नेगेटिविटी तो कम करता ही है, ये जो धुआं है ये राहु का, जो राहु कोविड 2019, इसके बैड इफ़ेक्ट को भी कम करेगा। ये जो बुरा धुआं है इसकी, ये जो इस धुएं की जो पॉजिटिविटी है, जो वातावरण को शुद्ध करने वाला इफ़ेक्ट है, वो बुरे इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टे एट होम, बी सेफ, स्टे सेफ। जय हिंद, जय माता।